I have a value of gift voucher given by an employer to employee, exempted up to ₹5,000 only, over and above this. Yes, attention. Value of gift voucher or token. Value of gift voucher or token in lieu of gift. Value of gift, comma, voucher or token in lieu of gift. Gift के बदले में voucher या token लगाया दिया गया. In lieu of gift. हाँ जी, LIEU. In lieu of gift. अगर गिफ्ट का अमाउंट 5,000 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? 5,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल. पांच हजार से ज्यादा है तो फिर टैक्सेबल. ठीक है, लेकिन अगर गिफ्ट किसी सेरेमोनियल ओकेजन, फॉर एग्जाम्पल मैरिज वगैरह पे दिए गए हैं, तो इट विल बी फुली टैक्सेबल. ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली आपका क्या कहा था अदर सोर्सेस के अंदर कि अगर ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज एनी गिफ्ट इज रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. ठीक है, मैरिज को दिए गए गिफ्ट जो माना जाता है वो क्या माना जाता है? किसी पर्सन से मिले गए गिफ्ट वो क्या होता है? एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. ठीक है, उसके ऊपर टैक्स रेट चार्ज नहीं. लेकिन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को अगर गिफ्ट दिया हुआ है अदर देन मैरिज 5,000 रुपीज तक एग्जेम्प्टेड, ओवर एंड अबव इट इज फुली टैक्स. ठीक है, क्या लिखा है? लिखा है सर इसमें 50,000 वाला है. वो सर गिफ्ट है, दैट इज नॉट अ गिफ्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, दैट इज अ गिफ्ट फ्रॉम एनी पर्सन ऑन द ओकेजन अदर देन मैरिज आर एग्जेम्प्टेड इन एग्रीगेट ऑफ ₹50,000 ओवर एंड अबव इज फुली टैक्सेबल. यहां पर एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडिंग द गिफ्ट टू द एम्प्लॉई. If the value of such gift, token or voucher is below ₹55,000, if the value of gift, voucher or token is below ₹5,000. Is below ₹5,000 in the aggregate during the previous year. In aggregate during the previous year, the value of such perquisite be taken as nil. The value of such perquisite be taken as nil. Value of such perquisite is taken as nil. आपने चीज़ किसी का स्पेड है? हाँ, मेट्रो बंद है ना, बस ये बंद है ना, ऑटो बंद है ना, टैक्सी बंद है ना, ये बंद है, खाली हो गया. गर्ल्स ही गर्ल्स ही बॉयज़ का. अच्छा, होगा करना जाए तो वोट करने रहे. नेक्स्ट है आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस. नॉर्मल सा है, अगर ऑफिशियल के लिए तो एक्सेप्टेड, पर्सनल के लिए तो एक्सेप्टेड. ना भी लिखो उसको नहीं पढ़ना. क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस इफ इट इज मेंट फॉर ऑफिशियल पर्पसेस फुली एक्सेप्टेड, इफ इट इज मेंट फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस चाहे ऐड ऑन कार्ड हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो दैट इज योर फुली एक्सेप्टेड. लेकिन कब होगा? जब क्रेडिट कार्ड का बिल कंपनी देगी. ये मत कहना क्रेडिट कार्ड का बिल तुम दे और उसको टैक्सेबल कर दो. नो, इट इज ओनली व्हेन द ऑल द बिल ऑफ द क्रेडिट कार्ड आर बीइंग पेड बाय द
जितना भी क्रेडिट कार्ड का बिल है अगर वो कंपनी पे करती है देन इट इज ओनली टैक्सेबल अदरवाइज इट इज नॉट टैक्सेबल मतलब पार्शियली एम्प्लॉय कर रहा है तो जितना पार्शियली एम्प्लॉय ने किया हुआ है ठीक है अब उस केस में सम टाइम इट इज पॉसिबल कि कोई अपनी पर्सनल शॉपिंग करने के लिए उसने कुछ क्रेडिट कार्ड का यूज किया बिल इज बीइंग पेड बाय द कंपनी ठीक है तो जितना वो पर्सनली कहा जाएगा क्योंकि इसके हम सेपरेट रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि हाई ट्रांजेक्शन पे एक बिलिंग स्लिप इशू होती है सो दैट वी कैन कम टू नो कि फॉर व्हाट पर्पस इट इज बीइंग यूज्ड देयरफॉर व्हाटएवर द पर्सनल एक्सपेंसेस दैट आर बीइंग रिइंबर्स्ड और दैट आर बीइंग पेड बाय द कंपनी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ क्लब एक्सपेंडिचर की बात होती है क्लब एक्सपेंडिचर में इफ सच फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू ऑल द एम्प्लॉइज सबको एक जैसे दी जा रही है देन द वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज नील क्योंकि वो रील की स्टिल मानी जाती है ठीक है उसको मानो मानते करके वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज नील इफ इट इज बीइंग गिवन टू सम स्पेसिफिक एम्प्लॉइज इफ इट इज बीइंग गिवन टू सम स्पेसिफिक एम्प्लॉइज देन इट इज अगर सबको दी गई है तो क्या बनाया जाएगा एक्सेप्टेड लेकिन अगर किसी कुछ ही एम्प्लॉइज को दी गई स्पेसिफिक एम्प्लॉइज को तो इन दैट केस इट इज एक्सेप्टेड इफ द बेनिफिट ऑफ द क्लब फैसिलिटी इफ द बेनिफिट ऑफ द क्लब फैसिलिटी is being extended to all the employees benefit of club facility is being extended to all the employees then the value of such perquisite is nil next point if such facility is being provided only to the specific employees then it would be taxable in the hands of employees Use of movable assets. अगर इसके use की बात करते, use का मतलब क्या है? It is being given by the employer to the employee for usable purposes. सर किस purpose के लिए दी गई है? Using purposes. It is not being given for. It is not being transferred to the employees. यानी sold out नहीं किया है वो केवल use करने के लिए. If it is being given only for the usable purposes, तो क्या हुआ? If assets is owned by employer, If
assets is owned by the employer, 10% of the original cost of assets is taxable with the head of employees. If taken on hire, by employer, then actual hire charges will be taxed. Actual hire charges will be taxed. ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ असेट्स।